हेलो यंगस्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो इस चैनल पे हम बात करेंगे बहुत सारे अलग अलग विषय के बारे में, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में जो कि हमारी डेली जिंदगियां में होती रहती हैं, ठीक है। और उस पे मैं अपने विचार व्यक्त करूंगी और मेरे साथ कोई एक और आदमी रहेगा या फिर कोई एक बच्ची, कोई भी किसी के भी साथ, ठीक है। तो वो अपना विचार को यहाँ पे व्यक्त करेंगे और उसके साथ आप लोग क्या सोचते हो उसके बारे में, उस विषय के बारे में, तो उसे भी रखने रखने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स के जरिए। तो आज ये पहला वीडियो है और यहाँ पे मेरे साथ आदित्य है, ठीक है। तो हम दोनों बात करेंगे एक बहुत ही अच्छी सी टॉपिक, ठीक है, विषय जो है आत्मनिर्भरता। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी ही डिस्कशन करेंगे, पर अगर आप लोग भी कुछ पॉइंट्स हमारी गलत लगते हैं या फिर कुछ ऐड करना चाहते हो तो बिल्कुल ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूंगी, आदित्य को मैं पूछूंगी कि पहले तो आत्मनिर्भरता के बारे में बताएं, ठीक है, थोड़ा कि उसका मीनिंग क्या है, क्या है उसका मतलब, थोड़ा बहुत डिफाइन करें। एंड फिर उसके बाद मैं आत्मनिर्भरता के बारे में अगेंस्ट बोलूंगी और वो बोलेंगे कि नहीं, आत्मनिर्भरता नीड है यंगस्टर्स के लिए या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो आदित्य वेलकम टू या अवर चैनल। थैंक यू मैम, थैंक हाँ ठीक है, यू मेरा। सबसे इट्स पहले वेलकम। तो आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आत्मनिर्भर बोलते किसको हैं, ठीक है। आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है और मतलब क्यों हर आदमी को जानना जरूरी है, ठीक है। तो आत्मनिर्भर का मतलब किसी बच्चे के लिए, अगर बच्चे से पूछा जाए आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है, तो उस बच्चे को मालूम नहीं होगा। क्यों नहीं मालूम होगा? क्योंकि बचपन से, सभी बच्चे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ज्यादातर बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि सभी बच्चों को ऐसा प्रिविलेज नहीं होता है, ठीक है। तो अगर बात किया जाए बच्चों का, तो मैक्सिमम केस में बच्चे को पेरेंट्स सब कुछ पूरा करके देते हैं। जो भी बच्चा डिमांड करता है या डिमांड नहीं भी करता है, तो पेरेंट्स पूरा करके देते हैं, ठीक है। बच्चा अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो इस केस में बच्चे आत्मनिर्भरता का मतलब नहीं समझ पाते उस समय, लेकिन कुछ कुछ पेरेंट्स मतलब उसको कुछ कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं आत्मनिर्भरता का मतलब, ठीक है। लेकिन सारे ही पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आत्मनिर्भर मतलब खुद से सब कुछ सीखना, ठीक है। उस सिचुएशन में जाना और खुद से सीखना कि हाँ क्या हो रहा है, मतलब क्या होता है असल लाइफ में, क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि जब मैं स्कूल में था तो मुझे बहुत लगता था कि करियर क्या है, करियर बनाना क्या है, कुछ नहीं है। जॉब पाना क्या है, कुछ नहीं है। सारा जैसे हम लोग 5 6 7 ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे क्लासेज आते जाएंगे, वैसे वैसे मैं बढ़ता जाऊंगा, आगे ग्रोथ करता जाऊंगा और मुझे जॉब भी मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें मालूम नहीं होता है कि कैसे जॉब मिलते हैं, क्या होते हैं, कुछ नहीं मालूम होता है। लेकिन जैसे जैसे आप 12th के बाद आगे निकलते, तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको आगे क्या क्या लेना है, क्या सब्जेक्ट्स में जाना है, किस किस लाइन में जाना है। तो ये सब चीज आपको खुद से डिसाइड करना होता है। ये एक आत्मनिर्भरता का चरण होता है, ठीक है। तो ये होता है आत्मनिर्भर। अब अगर आप मुझसे पूछें, अगर आप मुझसे पूछें कि आत्मनिर्भर बनाना चाहिए अपने बच्चों को या नहीं बनाना चाहिए, कई एग्जाम्पल्स मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को, 10th क्लास में बच्चा चला गया है, फिर भी सामान लेने के लिए नहीं भेजते हैं, या कुछ कुछ ऐसा घर का काम करने के लिए नहीं करते हैं, तो वो आत्मनिर्भर नहीं बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि किसी भी आदमी का अगर देखा जाए तो ये रियल फैक्ट है, किसी भी आदमी का देखा जाए तो उम्र फिक्स नहीं है, ठीक है। वो आज है कल नहीं भी हो सकता, ठीक है। ये सच्चाई है, ये जीवन का सच्चाई है। तो इसी चीज को सोच के ना, आपको मेरे ख्याल से, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ, ठीक है, मतलब आप सभी का अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अपने पेरेंट्स को, मतलब पेरेंट्स को अपने बच्चों को वो सारे काम करने देने चाहिए जो जरूरी है, सीखना जरूरी है, जीवन में रहना जरूरी है, ताकि वो कभी अकेला हो जाए, कभी भी जिंदगी में, तो उनको समझ में आए कि हाँ
क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, इस सिचुएशन में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये चीज वो सीख पाए। ठीक है, उनको आदत रहेगा। अगर वो अचानक से उनको धक्का पहुंचेगा, जैसे कि कोई आदमी उनका करीबी छोड़ के चला जाए, उनको अचानक से ये चीज नहीं समझ में आ पाएगा, जो कि पेरेंट्स के रहते हुए जितना समझ में आ जाएगा उतना अच्छा रहता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। तो मेरा आपका क्या ख्याल है बताइए। ये तो एकदम आपने सही कहा कि आत्मनिर्भर बनाना चाहिए बच्चे को, और एकदम शुरुआत से ही करनी चाहिए ताकि वो आगे जा करके ये ना सोचे कि अरे मैं तो मतलब एकदम से नई जिंदगी और नई दुनिया में आ गया हूँ। जैसे वो बाहर कदम रखता है जॉब्स के लिए या फिर फर्दर स्टडीज के लिए भी, तो कहीं उसको ऐसा ना लगे कि मैं अनजान जगह पे आ गया हूँ। ठीक है, तो उस तरीके से नहीं बनाना चाहिए, स्टार्टिंग से ही उसको मतलब उतना फ्रीडम एंड क्या बोलते हैं, मतलब हर एक चीज में उसको थोड़ा सा फास्ट बनाना चाहिए। ठीक है, पर मेरा पॉइंट एक जगह पे आके रुकता है, जो कि है कि क्या, देखो अगर हम कंपेयर करेंगे अभी के जमाना को पुराने जमाने के टाइम में, तो पुराने जमाने में क्या होता था कि हमारे जो पेरेंट्स या फिर जो फैमिली के हेड रहते थे, तो वो पूरे फैमिली को कंट्रोल करते थे। ठीक है, अब उन्होंने अगर नहीं बोला किसी काम के लिए, नहीं बोला या हाँ बोला, तो सिर्फ हम सब लोग उसको फॉलो किया करते थे। पर अभी का जनरेशन उस तरह का नहीं है। अगर किसी को कुछ नीड रहती थी तो वो लोग जाके पूछते थे, जो बड़े रहते थे, जो हेड रहते थे फैमिली के, तो उनकी नीड्स और जो भी उनको चाहिए होता था वो सब कुछ वो फुलफिल करते थे, और बाकी फैमिली वाले एकदम फ्री होकर के काम करते थे, और मतलब जो भी करते थे, काम करते थे या अर्निंग करते थे, वो सारा अर्निंग जो है वो एल्डर जो मतलब हेड रहता था ना फैमिली का, उसके पास जाता था, एंड वहां से वो सारे नीड्स को, जो भी जिसको जरूरत है, उन सबको फुलफिल करता था। ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी के जो फैमिली मेंबर्स हैं तो वो लोग बाहर जाना उनको नहीं आता या फिर बातचीत करना किसी से नहीं आता, नहीं, वो सब सब कुछ में ठीक है, पर फैमिली को संभालने के लिए, ठीक है, ताकि फैमिली में आगे जाकर के लड़ाई ना हो, तो उस सबको बचाने के लिए एक ही पर्सन जो हेड रहता है वही सबको कंट्रोल करता है, और जो फैमिली मेंबर्स रहते हैं, चाहे वो लोग कुछ भी काम करें, कुछ भी करें, जितने भी अर्निंग होती थी वो सब लोग हेड को देते थे, एंड हेड पूरे को संभालता था। और ये सारी चीज जो अपकमिंग उनके जनरेशन्स रहती थी वो सब लोग भी देखती थी। ठीक है, वो बच्चे और वो जो फैमिली मेंबर्स थे वो लोग भी देखते थे, क्योंकि ठीक है एक पर्सन है वो हैंडल करता है, किसी को कोई लेना देना नहीं रहता था पैसे से। ठीक है, और सभी एकदम खुशी खुशी, और उनकी जो बॉन्डिंग थी वो बहुत अच्छी और स्ट्रांग बॉन्डिंग थी, जब तक वो फैमिली का हेड नहीं बोलता था कि नहीं अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा मैं तुम्हें देता हूँ तुम संभालो, तब तक एक भी क्वेश्चन मतलब उल्टा उनके जो हेड रहते थे उनको वो लोग नहीं पूछते थे। पर अभी वो सब नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये चीज कंटिन्यू होनी चाहिए ताकि पेरेंट्स भी फील करें कि हाँ मेरे बच्चे मतलब कितने अच्छे हैं, सैड ना फील हो जैसे कि अभी के जनरेशन में हो रहे हैं। हम सुन रहे हैं बहुत सारी न्यूजेस, और बहुत सारी ऐसी न्यूजेस भी आ रही है जो हम लोग न्यूज में देख भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो बहुत सारे घर में भी हो रही है, और रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट भी इंक्रीज होगी यहाँ पे, और जो स्मॉल बच्चे रहेंगे वो बच्चे से ये सब चीज सीखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं जरूरत है मेरे ख्याल से। मैं ये सोच रही हूँ, पर मुझे ये नहीं पता जो मैं बोल रही हूँ वो सब एग्जाम्पल है निर्भरता आत्मनिर्भरता का या नहीं, बट मेरे ख्याल से ये रहना चाहिए, इतना आत्मनिर्भर नहीं रहना चाहिए, और पेरेंट्स को इतना नहीं बनाना चाहिए स्टार्टिंग से, जो ओल्ड थिंग था उसको फॉलोअप करना चाहिए। आप क्या सोचते हो आदित्य, आप रख सकते हो अब अपने विचार। देखिए देखिए, वो जहाँ बात आई कमाई की, अर्निंग की, आपको अपने पेरेंट्स को देनी चाहिए। पेरेंट्स आपको खर्चा करने के लिए देंगे। ठीक है, तो मैं इस बात को बिलीव नहीं करता। मतलब मैं गलत नहीं दे रहा, पेरेंट्स को पैसा देना गलत नहीं है, मैं इस बात को गलत नहीं बोल रहा, बट ये तरीका मैं गलत बोल रहा हूँ, ये सोच थोड़ा सा गलत मैं बोल रहा हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को भी मनी मैनेजमेंट हम बचपन से ही आना चाहिए। मतलब पैसा का मैनेज कैसे करना है, कैसे उसको संभालना है, अपना खर्च करना है, कैसे सेविंग्स करना है, ये सब चीज सिखाया जाना चाहिए बचपन से। तो ये सब चीज कैसे सीखता है, जब बच्चा खुद से अर्न करने लगता है, मतलब कहीं पे भी अर्न करता है, कहीं पे भी, तो बच्चा सीखता है ये चीज कि हाँ कहाँ खर्चा करना चाहिए, कहाँ कैसे सेविंग्स करना चाहिए।
ठीक है, कहाँ मुझे पैसा बचा के रखना चाहिए ताकि मैं उसको फ्यूचर के लिए किसी काम के लिए यूज कर सकूँ। ठीक है, तो अगर ये चीज बड़े एज तक आप अपने पेरेंट्स को देते हैं संभालने के लिए, सब चीज करने के लिए, और खुदा न खास्ता अगर आपके पेरेंट्स कभी इस दुनिया से चले जाएं, ठीक है, तो आपको वो चीज आना चाहिए ना। आप वो चीज तो बचपन से ही सीख, बचपन से जो चीज सीख सीख जाता है ना आदमी, तो उसको फिर बाद में टाइम नहीं लगता है किसी चीज में करने में, लेकिन फिर बाद में वही उसी चीज में दिक्कत आता है। ठीक है, बचपन से जिस चीज का आदत नहीं लग रहा था, उसी चीज में दिक्कत आता है। तो मैं इस चीज का मतलब गलत नहीं है, पेरेंट्स को पैसा देना गलत नहीं है। ठीक है, बस ये तरीका ये सिखाना है, मतलब बच्चों को सिखाना है। ठीक है, तो ये चीज मुझे ऐसा लगता है। हाँ, कहीं ना कहीं आप भी अपनी जगह एकदम सही हो, और ये भी आना चाहिए मनी मैनेज, क्या बोलते हैं, मनी को मैनेज करना, उसको कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, ये सब भी आना जरूरी है। पर जो मैंने बोला वो पॉइंट्स अगर फॉलो करेंगे तो उससे जो बॉन्डिंग होती है फैमिली की, वो बहुत स्ट्रांग होती है और बहुत अच्छा रहता है। बट आपके जो पॉइंट्स आपने प्रेजेंट किए वहाँ पे, उसको देखते हुए लगता है कि नहीं, मतलब कहीं ना कहीं मैं थोड़ी सी गलत हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं पूरी तरीके से गलत हूँ। बट मैं ये छोड़ना चाहूंगी जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर नहीं उनको, नहीं मतलब उनको क्या गलत नहीं लगता है, क्या मैं सही एक लगता है, बात वो बोलना चाहूंगा। रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, आप बोलिए। बिल्कुल हाँ, जहाँ तक आई फैमिली बॉन्डिंग की, फैमिली बॉन्डिंग आप बात करें, देखिए सबसे बड़ी बात होती है, आप अगर आप फैमिली से बात कर लेते हैं ना उस बारे में कि हाँ बाबा मैं आपको पैसा ना देके मैं खुद रखना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ कैसे पैसा रखते हैं, कैसे पैसा खर्च करते हैं, मैं सीखना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं इस मामले में। ऐसा थोड़ी है पेरेंट्स बात नहीं समझेंगे, पेरेंट्स बात समझते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो फैमिली बॉन्डिंग वहाँ भी अच्छी होती है, ठीक है, बात करने से भी फैमिली बॉन्डिंग अच्छी होती है, ऐसा मैं कहूँगा। आपने इस प्रश्न को भी सॉल्व कर दिया, धन्यवाद आदित्य। तो आप कुछ और कहना चाहेंगे, क्योंकि अब मेरे दिमाग में तो कोई और टॉपिक्स या फिर लाइंस नहीं आ रहे हैं बोलने के लिए इसके बारे में। तो अगर आप कुछ कंटिन्यू करेंगे तो कीजिए, वरना इसको यहीं पे एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट जी जी कोई बिल्कुल अच्छा सा टॉपिक ला करके उसके ऊपर कन्वर्जेशन करेंगे। एंड थोड़ा सा छोटा, और जो भी गलती हुई है उसे माफ करना, क्योंकि ये पहला वीडियो था, तो घबराहट में जो भी आया वो सिर्फ सिर्फ हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका ज्वाइन करने के लिए एंड देखने के थैंक लिए, आप सभी लोगों का। यस। यू।